हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की ओर से सितंबर क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, जो कि स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों के फिनेंशियल रिजल्ट है क्वार्टर और हाफ ईयर एंडेड का, जो कि आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे स्टैंडअलोन फिनेंशियल रिजल्ट्स कवर करेंगे। लैक्स में नंबर्स है। इनकम जो है 364 करोड़ का इनकम जनरेट हुआ, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 350 करोड़ का इनकम था और सितंबर 21 क्वार्टर में 395 करोड़ का इनकम जनरेट हुआ था। इस बार की इनकम जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा तेज़ी आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर की इनकम में बहुत ज़्यादा गिरावट आया है। अगर प्रॉफिट्स की बात करें यहाँ पे, तो प्रॉफिट जो इस बार है, प्रॉफिट ही बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है। 22 करोड़ का प्रॉफिट इस बार जनरेट हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 28 करोड़ था और सेप्टेम्बर 21 क्वार्टर में 36 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट जो है इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में गिरावट आई है। ईयर ऑन ईयर में गिरावट आने का रीज़न निकाल इस कंपनी का या इनकम में गिरावट आना, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी गिरावट आई क्योंकि कंपनी का एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ है 334 करोड़ का। इसके कारण कंपनी के प्रॉफिट्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, जो कि यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है। यहाँ पे गाइस इस बार ये कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ है, जो कि 209 करोड़ का एक्सपेंस है। इसके कारण कंपनी के प्रॉफिट्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। EPS 6.37 रुपीज़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर पिछले साल दोनों से कंपेयर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट है। तो ओवरऑल यहाँ पे स्टैंडअलोन रिजल्ट जो है बहुत ही वीक निकल के आया है। अगर कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को कवर करें तो गाइस, कंसोलिडेटेड में यहाँ पे लैक्स में नंबर्स है। इनकम यहाँ पे देखिएगा तो 366 करोड़ का इनकम है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 353 करोड़ का इनकम था और सितंबर 21 क्वार्टर में 394 करोड़ का इनकम था। इस बार के इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो तेजी है, बट ईयर ऑन ईयर की इनकम बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। वहीं अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें, तो यहाँ प्रॉफिट्स में भी ज़्यादा गाइस यहाँ बहुत ज़्यादा गिरावट आई है बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस, जो कि इस बार का प्रॉफिट जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि नेट प्रॉफिट जो है 21 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 29 करोड़ का प्रॉफिट था और सितंबर 21 क्वार्टर में 36 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिरावट आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों के कंपेयर में प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। EPS यहाँ पे 5.98 रुपये का, जो कि अराउंड 6 रुपये का EPS है, जो कि पिछले क्वार्टर पिछले साल से गिरावट। तो गाइस ओवरऑल रिजल्ट जो है कंपनी का बहुत ही खराब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर की इनकम थोड़ी सी तेजी आई, बट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस कंपनी का प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा गिरावट आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स में गिरावट आई है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।